रिसर्चर्स का कमाल, इंफ्रारेड लाइट की मदद से की बिना तार के बिजली सप्लाई। साउथ कोरिया के सेजोंग यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने इंफ्रारेड लाइट का प्रयोग करके बिना वायर के ही 30 मीटर की दूरी तक पावर का ट्रांसमिट करने में सफलता हासिल की है। वायरलेस लेजर चार्जिंग सिस्टम की टेस्टिंग के दौरान रिसर्चर ने सुरक्षित तरीके से 400 मेगावाट लाइट एक एलईडी लाइट में ट्रांसमिट किया। रिपोर्ट के मुताबिक इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग स्मार्ट होम्स और बिग शॉपिंग सेंटर्स में किया जा सकता है। रिसर्चर जियोन हा का कहना है कि इस तकनीकी का प्रयोग उन जगहों पर किया जा सकता है जहां वायर का उपयोग खतरनाक होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं होती है। जियोन ने इस सिस्टम को डेवलप करने में ट्रांसमीटर और रिसीवर का प्रयोग किया है। जब दोनों ही एक दूसरे के लाइन ऑफ साइट में होंगे तो दोनों ही लाइट बेस्ड पावर का प्रयोग कर सकेंगे, लेकिन जैसे ही ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में कोई रुकावट आएगी तो यह ऊर्जा ट्रांसमिट करना बंद कर देगा और सिस्टम पावर सेव मोड में चला जाएगा। इसका उद्देश्य सिस्टम से जुड़े जोखिमों को कम करना है। ट्रांसमीटर में इरबियम डोप फाइबर एम्पलीफायर एडफा पावर सोर्स है, जिसका वेबलेंथ 1550 एनएम है। इस वेबलेंथ की लंबाई सुरक्षित है। इसका आंखों और स्किन पर कोई विपरीत प्रभाव भी नहीं पड़ता है। वहीं रिसीवर में फोटोवोल्टाइक सेल और स्फेरिकल बॉल लेंस रिट्रोरिफ्लेक्टर होता है, जो कि ट्रांसमीटर के द्वारा छोड़े गए प्रकाश को फैलने से रोकता है। साथ ही ये ज्यादा तीव्रता के लिए फोटोवोल्टिक सेल पर फोकस करता है। एक्सपेरिमेंटल टेस्टिंग के दौरान ये देखा गया कि ट्रांसमीटर 30 मीटर तक 400 मेगावाट का ऑप्टिकल पावर ट्रांसमिट कर सकता है। 10 बाई 10 मिमी फोटोवोल्टिक सेल का रिसीवर लाइट एनर्जी को 85 मेगावाट के इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट कर सकता है। इसका उपयोग एलईडी में पावर सप्लाई में किया जा सकता है।